This is the most foolish thing to do. एग्जाम्स होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, फ्यूचर क्या होगा उससे हमें टेंशन नहीं लेना. हमेशा अपने लाइफ में ये याद रखो कि हमें अपना काम करना है. वो मैंने भी आईएएस की तैयारी की थी, आईएएस की तैयारी करके भी मेरा हुआ नहीं वहाँ पे, तो मुझे क्या कुछ सुसाइड कर लेना चाहिए कि नहीं हुआ. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ऐसी हरकतें प्लीज मत किया कीजिए. देयर इज नथिंग लाइक दैट. अगर आप 10th की पढ़ाई कर रहे हो तो कोई ऐसी बात नहीं है. क्या बात करना चाहते हो आप, बोलो क्या हो गया आपको? जो भी प्रॉब्लम है आप कॉल करके भी बात कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है. और आपका शायद तो बोर्ड एग्जाम होगे भी नहीं, हो सकता है, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड ने तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया है. बाकी बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स भी अभी वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, अब पता नहीं है. पर इसके लिए ये डिप्रेशन की कोई बात नहीं है. आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. 10th स्टैंडर्ड जो है इस साल सिर्फ लंबा हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है 10th स्टैंडर्ड के लिए. अगर आपको पढ़ाई करनी है आप करो, नहीं करनी है मत करो. देयर इज नथिंग इन दैट. क्यों क्यों ऐसा? एग्जाम नहीं होगी तो, एग्जाम नहीं होगी मतलब कि पढ़ाई आपको पास तो सबको करेंगे, अच्छे मार्क्स से ही पास करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि कम मार्क्स देने वाले. अगर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम ये साल नहीं हुई तो भी आपका, आपको पास किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो एग्जाम होगी तो अच्छी बात है. आपको बड़ा करके आपके पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है, इतना बड़ा किया है, उसकी मेहनत का क्या? उसको आप डाल दोगे पानी में? ये सब बातें कुछ मतलब की नहीं है. आप अपनी पढ़ाई करो. पढ़ाई नहीं करनी है योगेश, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी. यू आप स्टडी कीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए, ऐसी सब बातों पर मत सोचिए. आप लोगों को जो काम है वो अपना करना है. देखिए क्या होता है, हमें सिर्फ कर्म करना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है. आप काम करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. आप, दिस इज द मोस्ट फूलिश थिंग टू डू. एग्जाम्स होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, फ्यूचर क्या होगा उससे हमें टेंशन नहीं लेना. हमेशा अपने लाइफ में ये याद रखो कि हमें अपना काम करना है. जो हमें काम है अभी फिलहाल, हमारे पास एग्जाम है, हमारी एग्जाम पोस्टपोन हुई है 10th स्टैंडर्ड की, ये साल के लिए हमें एग्जाम की तैयारी करनी है. जब एग्जाम नहीं कैंसिल हो जाएगी तो आपका कोई चीज़ लाइफ में वेस्ट नहीं जाती है. आप कभी भी कोई चीज़ में फेलियर नहीं होते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी नहीं होगी. आपकी हर चीज़ आपको हमेशा काम आएगी. क्या पॉलिटिक्स है, हमें पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? अपनी लाइफ जीनी है, अपना सही रखना है. हमें अपने अपने आसपास जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जो है लोग हमारे, जो हमारी फिक्र करते हैं, उनके लिए अच्छे रहना है. और कोई कुछ नहीं होता है. आप जो भी मेहनत करोगे, अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने भी आईएएस की तैयारी की थी, आईएएस की तैयारी करके भी मेरा हुआ नहीं वहाँ पे, तो मुझे क्या कुछ सुसाइड कर लेना चाहिए कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं होता है. मैंने इतनी तैयारी की तो मुझे ये सब आता है. मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ. कैसे पढ़ा सकती हूँ? आप मुझे हिंदी बोलो, मराठी बोलो, मैथ्स बोलो, साइंस बोलो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हम सब कुछ पढ़ते हैं. कहाँ पे पढ़ा हमने ये सब? हमने आईएएस की तैयारी में पढ़ा ये सब. तो हमको सब कुछ आता है. वो सब कुछ आने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. वो कॉन्फिडेंस बढ़ने से हम सबके सामने आ सकते हैं. हम बड़े बड़े जगहों पर भी लेक्चर्स ले सकते हैं. क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमने इतना सब कुछ किया है. तो वो मेहनत की, वो मेहनत कभी कुछ वेस्ट नहीं जाती. हर मेहनत आपको लाइफ में काम आती है. आप जो भी अभी सीख रहे हो वो सब भी आपको काम आएगा. कोई कभी कुछ वेस्ट नहीं जाता है. सो प्लीज स्टे कॉन्सेंट्रेटेड, डोंट गेट इनटू, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है. सिर्फ हर टाइम पे हमें सिर्फ अपना कर्म करना है. बस यही हमारा धर्म भी यही है कि हमें अपना कर्म करना है. अपना कर्म सही रखिए, बाकी सब अपने आप सही होगा. आपके, आपका अच्छा भी अच्छा है और बुरा भी अच्छा है. सब अच्छा होता है, कुछ बुरा नहीं होता है. आपको अभी नहीं समझता लेकिन आपको अंत में समझेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. भगवान सब देखते हैं और हमारे लिए अच्छा ही करते. हम जो है हम उनका शुक्र नहीं कर पाते. हम उनको
थैंक यू नहीं कह पाते कि हमारे लिए जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें बाद में वो समझ में आता है। और आपको ये क्या आपके दिमाग में है आई डोंट नो, बट आप प्लीज थोड़ा ध्यान से शांति से सोचिए, और प्लीज आपको कोई पढ़ाई पढ़ाई होने पे और नहीं होने पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी पढ़ोगे आपको हमेशा काम आएगा। लाइफ बहुत बड़ी होती है और बहुत अच्छी होती है। आप फिलहाल के लिए जो टेंशन में, आप किसी से बात कीजिए और अपना दिमाग जो है आप शांत रखिए। कोई किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, ना पेरेंट्स किसी पे प्रेशर डालते हैं, हमारा सिचुएशन सबको समझता है, हमको खुद को भी पता है कि 10th स्टैंडर्ड का बहुत लंबा खींचे गया है, तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा दुख तो हुआ ही उसी बात का कि खींचे जा रहा है, तो फाइनल डिसीजन हो जाए तो बेटर होगा, बट वी हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस के बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप पेशेंट रहोगे, सबर करोगे। तो वही आपके लिए एक बात है कि आप प्लीज़ सबर कीजिए।